गाइस, मैं समझ श्रीवास्तव आख्याय ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो गाइस, कल मैं अमीनाबाद मार्केट गई थी और वहाँ से काफ़ी सामान हमने ले आया, और जिसमें माता जी का पूजा का सामान था। और ये मैं ले आई माता जी के लिए, ये माता जी को मैं चढ़ाऊंगी, ये साड़ी मैं लेके आई। और ये आप देख सकते हैं, और इस तरह की मैं साड़ी लेके आई माता जी के लिए। और आंचल इसका इस तरह से है, और बहुत ही प्यारा मुझे लगा ये साड़ी, जिसपे हाथी और कलश बना हुआ है। आप देख सकते हो, हाथी और कलश बना हुआ है इस साड़ी पर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो माता जी को चढ़ाने के लिए मैं लेके आई इसको। और पूजा का सामान मैं लेके आई, जो मैंने सजा दिया है माता जी को, हमने सजा दिया है। अभी मैं दिखाऊंगी मंदिर कैसे मैंने सजाया है। और आज का डेकोरेशन मेरा इस तरह से था, ये आप देख सकते हो, बाउल में नहीं सिर्फ ग्लास में ही था। और ये तो रेडीमेड है, और एक मैं ये लेके आई जो इस प्रकार है, आप देख सकते हो पास से। और दूसरा मैं ये लेके आई, ये छोटे छोटे गुलदस्ते लेकर के आई मैं। और तीसरा ये मिर्ची, मुझे ये तीनों पसंद आए जो मैंने ले लिया, और जो मैं टेबल पे ही इस तरह से मैं रख देती हूँ। और ये मैंने लिया था, ये कान का आप देख सकते हो, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको लिया था। और भी काफ़ी सामान मैंने लिया जो लेडीज आइटम है, जो मैं नहीं दिखाऊंगी। और अब हम चलते हैं मंदिर कैसे हमने सजाया है, मैं चलती हूँ दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। तो बने रहिएगा आप सभी लोग वीडियो पर, और मैं लेकर के चलती हूँ मंदिर दिखाती हूँ। हमारा मंदिर, और इस तरह से हमने सजाया है मंदिर को। और ये ऊपर इस तरह है, देख सकते हैं। और इस तरह से हमने सजाया है, हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को हमने दिखाया था कि हमारा गुलहड़ का फूल किस तरह से बेजान हो गया था। तो अब मैं चलती हूँ छत पर, और देखते हैं कि गुलहड़ का क्या पोजीशन है, और उसको पानी भी दे देंगे। और अभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि गुलहड़ का क्या पोजीशन है, वो सुधर रहा है या नहीं। तो फिर हम चलते हैं अब छत पर, तो बने रहिएगा आप सभी लोग वीडियो पर, और पूरी वीडियो जरूर वॉच करिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो हम चलते हैं छत पर। और अब हम आ गए हैं छत पर, और आप देख सकते हैं ये गुलहड़ का पौधा किस तरह से हुआ है, ये है। और सुधरने की हालत में है, पर अच्छे तरह से अभी नहीं सुधरा है।
और ये देखिए इसके पत्ते में किस तरह से हो गया है, इस तरह से हो गया है। और ये सब न्यू पत्ते अब निकल रहे हैं, वो सही हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह से हो गया है सब। पानी भी डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें भी पानी डाल दिया है, सारे पौधों में हमने पानी डाल दिया है। तो अब मैं चलना चाहूंगी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।